हेलो हेलो हेलो, वेलकम गाइस। मेरी फर्स्ट लाइव है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बिग बॉस के बाद ही मेरी फर्स्ट लाइव है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि थैंक यू सो मच गाइस। एंड सो गाइस, मैं अभी बोलना चाहती हूँ, इससे पहले कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाए, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मतलब जब मैं बाहर निकली ना, तो मतलब इतना प्यार मैंने देखा, मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितना कितना, हाय गुरप्रीत जी कैसी हैं, कितना प्यार मिल रहा है मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई, तो थैंक यू सो मच। सभी भारत की जनता को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। उसमें मम्मियां हैं, भाभियां हैं, ननंदे हैं, जेठानी है, भैया, तो सब लोग हैं। तो सीरियसली मुझे इतना अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मज़ा आ गया। और थैंक यू सो मच कलर्स चैनल को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये ब्रेक दिया। और थैंक यू सो मच एंडेमोल, वायाकॉम, जिन्होंने मतलब मेरी लाइफ चेंज कर दी। एंड आप लोगों का इतना प्यार मिला, पता नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है, बट सच में मतलब मैं अपना वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि शेट, मैंने, ओह माय गॉड, मैंने क्या क्या किया है, कितना हंसाया है लोगों को। ओ वी प्राउड, थैंक यू सो मच गुरुप्रीत जी। अब मैं मैसेज देखूंगी, अभी तो मैंने अपनी बोली, अभी मैं मैसेज देखूंगी। वो क्या होता है ना, एक टाइम पे एक काम करती, देखती तो फिर मैसेज नहीं, मैसेज ऊपर चले जाते तो फिर पता नहीं चलता। अब मैं नीचे देखूंगी, तो अब मैसेज करो, अब मैं देखूंगी आप सब लोगों को। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच गाइज। और पता है सबसे मेन बात पता क्या है, कि मेरे 7 लाख फैन थे और अब मेरे 1.2 फैंस हो गए, और मेरी स्टोरी पे भी बहुत ज्यादा मतलब व्यूज आते हैं, मतलब 8 लाख व्यूज। ओ माय गॉड, इतना प्यार, आए मैं तो सच में पागल ही हो जाऊंगी। आई एम अमित, हाय, थैंक यू सो मच अमित, वी प्लेट अर्जुन रिप्लाई, यस यस ये, राम राम जी, राम राम जी, भैया कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा तो और बताइए, और क्या आप बोलना चाह रहे थे, मतलब और सच में यार मतलब मजा आ गया, मजा आ गया। मैं पहले सोच रही थी पता बिग बॉस में जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, बट अब मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं बिग बॉस में गई। थैंक यू सो मच, प्लीज दी रिप्लाई, हाय नवू कैसे हो, मिस सानवी, आई एम सो सैड आप विनर नहीं बन पाए। अरे किसने बोला मैं विनर नहीं बन पाई, अरे भैया मैंने कितना कमाया है पता है, प्यार आए मेरे लिए तो वो ही विनर है। कोई जरूरी थोड़ा ना कि ट्रॉफी जीतना ही विनर होता है, नहीं, मैं अपने आप में विनर हूँ कि मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, उनका प्यार अच्छा चल रहा है। अमित तुम्हारा बताओ क्या चल रहा है, और लोगों के दिलों में जगह बनाई। और मतलब आज मैं जब जाती हूँ, मैंने जस्ट ऐसे ही, मैं गाड़ी के जस्ट बाहर खड़ी हो गई थी, मैंने कहा मुझे ये खाना है, जैसे आदत नहीं होती ना अभी ऐसा, मतलब हुआ नहीं फीलिंग, मतलब कोई पहले मुझे जानता नहीं था, अब सब जानते। तो जैसे मैं गई ना भैया के पास, मैंने कहा भैया ये दे दो मुझे, इतने लोग आए फोटो खिंचाने के लिए। ओ मतलब मुझे इतना अच्छा गुदगुदी हो रही थी कि मतलब मजा आ गया। और बताइए आप लोग, और क्या, हाँ अब बताइए, कमेंट कमेंट कमेंट, फॉलोइंग, थैंक यू सो मच गाइस, काफी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चंस है तो बताइए, मैं कोशिश करूंगी मैं कि मैं पढ़ पाऊँ। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच कृष्णा शर्मा फॉलो करने के लिए, थैंक यू खान फरदीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिग बॉस की याद आ रही है, सीरियसली अमित, मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। एंड व्हाट्सएप तो देख अर्चू, ओ अनिशा दीदी मैं अभी देखती हूँ, मैं बस व्हाट्सएप पे अभी आई नहीं। हाय सर, डायरेक्टर सर, मेरे बिना मूवी रिलीज कर दिया आपने 10 तारीख को, हाँ मुझे बुलाया भी नहीं, मेरा वेट तो करते निकलने का, 10 तारीख को मूवी रिलीज कर दिया आपने। आई एम गुड, RPI नेता, वाई आर यू नॉट विन, नहीं किसने बोला, मैं जीती हूँ यार, टॉप 4 मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे यार मैं एक छोटे से गांव से निकल के यहाँ तक टॉप 4 में आई हूँ,
बिना पीआर के, मैंने कोई पीआर नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बेचारे मेरे भाई गुलशन ने सब कुछ संभाला, तो बिना पीआर के मैं टॉप फोर में आई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। और आप लोगों ने जो पीआर दिया, ओ माई गॉड, नजर ना लगे। टैटू बना के लाइव आना था, ओ हाँ मैं भूल गई, वो इंडियन में ना मैं बनाती नहीं हूँ ना इसलिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड तू शुरू से स्टार है मेरी गुरप्रीत दी, थैंक यू सो मच, कांग्रेस पार्टी की स्टार, अब तो मैं पूरे भारत की लगता है स्टार बन गई, और स्पेशल महिलाओं की। नहीं, जीतू चौधरी, थैंक यू जीतू चौधरी। एंड धीरे 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 मैं क्वेश्चन, मैं एक्चुअली आदत नहीं है ना मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब एकदम से ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की, तो मैं धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो हाँ जी, और बताइए, और क्वेश्चन करिए। हाय मिस्टर वर्मा, हाय हाय हाय, फॉलोइंग ज़्यादा हो रही है, कॉमेंट कम हो रहे हैं, है ना। हाय मिस्टर राजा, हाय जी, हाय जस्ट मी, हाय, थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए। कोई लिख क्यों नहीं रहा है, ये मुझे दिख नहीं रहा है। सब लिख रहे हैं, श्रीजिता भी हाय बोल रही है। श्रीजिता कहाँ है, हाय मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। श्रीजिता भी चार बार बोले हाय, क्यों ऐसा, मेरे को क्यों नहीं हाय दिख रहा। मुझे फॉलोइंग, मैंने कोई कमेंट का चक्कर तो नहीं, मैंने ऐसे कुछ गड़बड़ किया। ओके, पता नहीं मेरे को दिखा नहीं। अच्छा एक काम करो ना, मुझे पढ़ पढ़ के मुझे बताओ, मेरे को इसमें दिख नहीं रखो, मैं पढ़ती हूं। मुझे दीदी आप बताओ, श्रीजिता जी हाय बोल रही हैं। श्रीजिता अब आया, अब आया, अब आया, हाय एवरीवन, हाय श्रीजिता, अब आए कमेंट, यस 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 यस। हाय हाय अमित, हाय, कैसी है श्रीजिता, गुस्सा हूँ मैं तेरे से। हाँ फॉलो ज़्यादा आ रहे हैं उसके कारण आते, अच्छा फॉलो ज़्यादा आ रहे हैं इस वजह से कम कमेंट आता है। मनीषा ओके एंड ओके, हाँ अभी फॉलोइंग ज़्यादा आ रही है इस वजह से कमेंट कम आ रहे हैं लगता है मुझे। मुझे दूसरा फोन रखना चाहिए क्या दीदी, आप पढ़ के सुनाओगे मुझे। किसी ने पूछा अर्चना जी आपसे, किसी ने पूछा, अच्छा बिग बॉस में आपका क्यों नहीं दिखा रहे, क्या शूट नहीं किया आपके साथ उन्होंने, ऐसा पूछा। बिग बॉस का ना, हाँ मैंने अभी देखा, एक्चुअली मुझे नहीं पता, मतलब मैं जब स्टेज पे थी तो सब लोग गए तो थे, बट मैं पता नहीं, मैं शायद उसमें इंटरव्यू में बिजी होगी थी, या मतलब पता नहीं, मुझे मेरे को नहीं बोला उन्होंने बिग बॉस में, तो इस वजह से शायद मेरा नहीं हुआ। आपने बिग बॉस में बहुत एंटरटेन किया, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बट मेरा बहुत मन था बिग बॉस में आने का सच में, मेरे को था मस्ती करना था कृष्णा जी से, बड़े अच्छे हैं वो, बट चलो कोई बात नहीं, चलता है मुझे, मन टॉप फोर इज ओके, फोन फाइन इट्स ओके। और यूपी की शेरनी कह रहे हैं, यूपी की शेरनी, हाँ बट मुझे अब बाहर निकल के, पहले मैं क्षेत्र क्षेत्र करती रहती थी, क्षेत्र तो मेरा अपना था ही, जैसे होता है ना मम्मी पापा तो अपने होते ही, बट मुझे बाहर आके पता चला कि मैं तो भारत की शेरनी बन गई। सच में यार मजा आ गया यार, मुझे खुद मिस हो रहा है, मतलब मैं क्या आप लोगों को कितना हंसाती थी ना, अब मेरे को पता कैसा मन कर रहा है, अब मुझे पता चल गया, ओ मेरी लड़ाई इतना ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, मेरी कॉमेडी ज्यादा पसंद करते थे, है ना, कुछ कुछ लड़ाई भी पसंद करते थे, बट मेरा ऐसा मन करता है कि अभी मैं फिर दोबारा बिग बॉस में चली जाऊँ और फिर हंसाऊं आप लोगों को। अच्छा श्रीजिता ने लिख रही है कि आपने बहुत अच्छा खेला, तूने मस्त खेला। हाँ श्रीजिता, मेरा मैसेज, श्रीजिता मुझे थोड़ा लेट मैसेज आ रहे हैं तो उसके लिए सॉरी यार, धीरे धीरे तूने मस्त खेला, थैंक यू सो मच। हाय नूर कैसे हो, तुमको बिग बॉस की जरूरत नहीं है अर्चना, तुम बिग क्वीन हो। अच्छा नहीं यार, वो होता है ना एक, मतलब एक बिग बॉस किया उससे बाहर निकलने के बाद, जो मतलब ऐसा सुने थे हम कि जो एलिमिनेट हो जाते हैं उनको बिग बॉस में बुलाया जाता है, पर मैं नहीं गई, मेरी ये तमन्ना अधूरी रहेगी, मतलब कि मुझे नहीं बुलाया तो मुझे बड़ा दुख तो हुआ थोड़ा थोड़ा, बट इट्स ओके, चलता है। अच्छा युवराज हॉकी खेलते हैं अपने इंडिया में, उन्होंने बोला। हाँ युवराज तो मेरा फ्रेंड है, आपने दुनिया का दिल जीत लिया है, यू प्लेड रियली वेल, थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू, ए आर्च यू लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और मुझे तो बहुत रोज मिले थे पता है आपको बिग बॉस में, मजा आ गया, सलमान सर ने भी रोज दिए थे,
बादशाह ने भी, मीका सिंह जी ने भी, और कार्तिक आर्यन, ओ माय गॉड, कार्तिक आर्यन का वो सीन देखा था जो भैया निकल गया था मुंह से, ओ माय गॉड। अब मैं भैया पे कंट्रोल कर रही हूँ थोड़ा सा। सलमान सर ने भी दिया, हाँ सलमान सर ने भी दी थी, रोज दिया था मुझको। हाँ, और पता है आपको क्या हुआ, अभी जस्ट मेरे साथ कुछ लोग आए हैं मेरे से मिलने, जो मेरे लिए केक लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्लस गिफ्ट्स भी लेके आए, वो मैं सब पोस्ट करूंगी धीरे धीरे। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग अस सो मच लव। यस श्री जीता, लव यू। एंड मेरा सिलवट्टा वहीं रह गया, बट कोई बात नहीं, 17 में लोग आएंगे ना तो मेरी यादें भी तो होनी चाहिए ना कुछ, क्योंकि एलिमिनेट नहीं हुई इसलिए नहीं बुलाया फाइनलिस्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग गए थे, प्रियंका भी थी वहां पे, शिव भी था, स्टैन भी था, और शालिन बनोट भी था, टॉप 5, टॉप 4 नहीं गई, बस इट्स नारा, टॉप 4 नहीं गई, सब लोग थे वहां पे, मैं नहीं थी। अर्चू कोई रोते हुए नहीं देख सकता है, ऐसा है क्या? हाय नहीं, अभी हाँ, अब थोड़ा ना किचन है जो मैं रोऊंगी। भैया अब तो हंसना है मुझे, हम मिस कर रहे हैं आपको अर्जुन, तुम जो मसाला दिया बिग बॉस में मजा आ गया, थैंक यू सो मच डोरा डोगरा, थैंक यू सो मच। हाय हाय शेरनी, हाय के कस्बे, हाय कस्बे, और अदरक, अरे यार अदरक कहाँ, अभी तो होटल में रह रही ना, अदरक की चाय नहीं मिल पा रही मुझे, अभी मुझे फ्लैट खरीदना है यहाँ पे, गाड़ी भी खरीदनी है, कल तो मेरी बताओ बेइज्जती होगी, बाय गॉड मेरी बेइज्जती होगी, मैं गई, मुझे पता थोड़ी ना कि भैया मतलब ऐसा गाड़ी वाड़ी मंगा के जाते हैं, तो मुझे लगा ओला से चली जाती हूँ, अभी गाड़ी तो है नहीं मेरे पास, तो भैया मेरे तो जी चले, मेरी गाड़ी का नंबर और बताओ, फोन आ रहा है अर्चना कम से कम गाड़ी लेके जाती तो सेलिब्रिटी बन गई। हाँ बहुत भूल गई थी ना मैं, मतलब पहली बार निकली बाहर, घर से बाहर निकली, और मुझे थोड़ी ना पता है कि बाहर निकल के ऐसा मतलब लोग मुझे मतलब ऐसा कैमरा वैमरा और क्या बोलते हैं उसको, मीडिया वाले आ जाएंगे तो बताओ, कह रहे हैं कि सीएनजी की गाड़ी लेके गई, बताओ बड़ी वाली गाड़ी ऑर्डर कर लेती थी, अब इतना सोचता कौन है, गुलशन ने जो करा मैं उसमें बैठ गई। ये गुलशन भी ऐसा ही है और मैं भी ऐसी हूँ। अब मैं ना गाड़ी देख के बैठा करूँगी, भैया सीएनजी तो नहीं है, पेट्रोल वाली गाड़ी है, पूछेगा भाई ये तो कौन सी है, अब लगता है जल्दी गाड़ी लेनी पड़ेगी, नहीं तो पता चला और पछीता हो जाए। गुलशन पता क्या कह रहा अच्छा अब मेरा यही काम रह गया कि मैं उससे पूछूंगा भैया कौन सी गाड़ी लेके आ, तो बताइए अच्छे से, हम पार्टी में जा रहे हैं अच्छे से बड़ी गाड़ी लेके। सी यू गाइस श्रीजिता, थैंक्स यार, बेचारी श्रीजिता ने मेरी फजीता बचा दिया, बेचारी की गाड़ी बैठ गई मैं। ओके श्रीजिता, गुलशन भाई गुलशन है ना, ये रहा गुलशन, ये ना मेरा हमेशा फजीता करता है, पता कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ जरूर करता है ये। थैंक यू सो मच, आप सबके मैंने सपोर्ट देखा, सबका देखा, इतना प्यार इतना सपोर्ट किया मैंने, बताया बहन को सबका बताया, ये हमारा जो अर्चना का फैंडम था, अर्चना के अंगारे उसके बारे में बताया, और जो भी मतलब इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर से जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको, उन सबका बताया मैंने कि इतना प्यार इतना मिला है, तो सबको बहुत थैंक यू हमारी तरफ से, बहुत अच्छा लगा सपोर्ट करके, सीरियसली गाइस सच में बहुत थैंक यू सो मच दिल से, आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे भी और मेरे भाई को भी, तो मजा आ गया। लाइफ नवदीप सर मेरे में नहीं आया अभी मैसेज, हेलो नवदीप सर, मुझे आपका मैसेज नहीं मिला अभी तक। एंड गाइस सीरियसली मतलब मुझे सच में नहीं पता था कि मतलब बिग बॉस में ऐसे जाते थोड़ा सा पीआर वीआर करके जाते, वो मेरी गलती होगी, बट जो मेरे भाई ने संभाला है ना, मेरे भाई ने ट्यूटर भी सीख लिया, मैंने इंग्लिश सीख ली, मेरी इंस्टा रिपोर्ट मार दी है, बताओ इंस्टाग्राम उड़ा दी, बताओ वापस ला दो प्लीज, अगर आप में से कोई इंजीनियर है तो प्लीज उसके इंस्टाग्राम वापस ला दो, डांस में आग लगा दी गुलशन भाई ने, अरे यार वो वाला गाना था बताओ, बेचारे लड़की के गाने पे कैसे डांस करता था उसके, चलता है मेरे को, कोई भी चलता है, करा दो भाई, कुछ भी चलता है इसको, बट सच में मजा आ गया। पता नहीं है वो तो भैया, हमें तो ना पता, वो चैनल देखेंगे,
हम तो भाई मैं तो चाहती हूँ और क्या मेरे भाई आए, बट ठीक है. सो गाइस थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा बात हो गई है लगता है, तो अभी मैं रखती हूँ, ठीक है ना. और दिल से थैंक यू सो मच. एंड गाइस एक चीज और बोलनी है मुझे, मे बी मैं 18 तारीख को दिल्ली आ रही हूँ सब लोगों से मिलने के लिए. बस आप रेडी रहना, अपन आके जो धमाल मचाने वाले हैं, खतरनाक मचाने वाले हैं, ठीक है. तो मैं 18 तारीख को आ रही हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, और वहां से हम लोग जाएंगे कहाँ, मेरठ. अपन मेरठ जाएंगे, यूपी जाएंगे, और मेरठ में बबाल मचाएंगे, ठीक है. सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू. सब लोगों ने प्यार का भी, मेरे भाई ने मुझे बोला देशों से आया, सब बाहर से आया, अमेरिका से, सब जगह से मुझे प्यार आया. थैंक यू सो मच गाइस, बाय, लव यू.